परंपरा है कि हर कोई बर्तन खरीदता है और हम आप पहुंचे हैं एक ऐसी दुकान में जहां से खुद स्वयं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो हैं हर धनतेरस पर अपनी पत्नी साधना सिंह के साथ बर्तन की खरीदी करने आते हैं। और हमारे साथ यानी कि इस दुकान में, इस दुकान का नाम है दरवेश इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंसेज, और हमारे साथ किशोर केशवानी जी मौजूद हैं। सर, आपसे जानना चाहूंगी मैं कि इस बार बर्तनों में क्या कुछ नया आया है। धनतेरस पर मान्यता है कि यहाँ पर हर बार जो है धनतेरस में बर्तन खरीदे जाते हैं, उनकी पूजा की जाती है, तो इस बार क्या कुछ नया बर्तनों में? देखिए, पहले तो क्या ट्रेडिशनल होता था, बर्तन, टंकी, गगड़ा, गुंड, ये वो जग लिया जाता था। आजकल कुछ नया ट्रेंड भी आ गया, अच्छे नए टाइप के बर्तन आए हैं जिनमें ट्रैपलाई, स्टेनलेस स्टील के बर्तन ट्रैपलाई होते हैं, तो जैसे कढ़ाई, भगोना, ये सब चीजें तो होती है, प्लस प्रेशर कुकर भी ट्रैपलाई है तो वो है, प्लस कापर के आइटम जो तांबा होता है ना, एक नया ट्रेंड चला है, तांबे के आइटम भी बहुत अच्छी मात्रा में लोग पसंद करते हैं, और स्टील जो सेलम का स्टील होता है बहुत अच्छी क्वालिटी में, वो भी हमारे सब उपलब्ध है, और तरह तरह के जैसे गैस तंदूर है या ओवन है, ओटीजी करते। सर, अगर यहाँ पे देखिए तो मेनली लोग धनतेरस से क्या खरीदते हैं ज्यादा? देखिए, आजकल ये जैसे नॉन स्टिक के तवे हैं, नॉन स्टिक का सेट आता है या प्रेशर कुकर आता है, और फिर जैसे टंकी वगैरह, इनका ट्रेंड कम हो गया, कापर के जग चलते हैं आजकल ज्यादा, कापर स्टील मिलाते हुए, या फ्लास्क हैं जो ईगल के फ्लास्क होते हैं, मिल्टन के फ्लास्क हैं या बोतल हैं, ये चीजें ज्यादा चलती है, ट्रेडिशनल बर्तन कम चलते हैं आजकल। सर, यहाँ पे कई सारे ऐसे लोग हैं जो मतलब धनतेरस पे ही खासकर बर्तन की शॉपिंग करते हैं, तो खूब सारी करते हैं, तो इसमें सेट्स पूरे आते हैं, तो उन सेट्स के बारे में बताइए जरा कि इस बार क्या नए नए सेट्स हैं, साथ ही इस बार खासियत क्या है पिछली साल के मुकाबले और इस साल के मुकाबले? देखिए, इस साल क्या, ये जो कोरोना के चक्कर में कई लोगों ने परचेजिंग नहीं की थी, लास्ट ईयर जो दिवाली थी ना, डेढ़ साल से मतलब धंधा पूरी तरह से पिट चुका था, लेकिन अब ये दो महीने से ऐसा एक ट्रेंड चल रहा है, लोग डिमांड करते हैं, अच्छी अच्छी नई चीजों की भी डिमांड होती है, और मैं समझता हूँ इस बार की दिवाली शायद पिछली बार से लगभग 3 गुना बेहतर जाएगी। सर, एक और चीज, पहले के टाइम में जो है बर्तन काफी मतलब मोटे आते थे, हम दिखा देंगे हिस्ट्री में, तो काफी मोटे बर्तन में खाना बनता था, बीच में ये ट्रेंड चेंज हो गया था, बीच में पतली कढ़ाइयां जो है वो आने लगी थी, पतले बर्तन जो है, लेकिन अब फिर से वही ट्रेंड आया कि अब लेयर्स बढ़ गई हैं, तला मोटा आने लगा है। उसका रीजन ऐसा है, जो आग पे रखने वाले बर्तन होते हैं हल्के होंगे तो उसमें बर्तन वो कोई सामान जलेगा, इसलिए ट्रैपलाई स्टील ज्यादा चल रहा है, या अगर एल्यूमिनियम में भी जाएं तो हैवी आइटम लिए जाते हैं तो उसमें कोई जलने की संभावना नहीं होती, और आजकल मैंने देखा हमारे मोस्टली कस्टमर बोलता है महंगा भली हो लेकिन क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, हम लोग 70 साल से इस बिजनेस में हैं, हमने कभी भी क्वालिटी में कंप्रोमाइज नहीं किया, बहुत अच्छी क्वालिटी में, और नए नए आइटम ला के लोगों को लुभाते हैं, हर तरह की फैसिलिटीज भी देते हैं, डिस्काउंट्स भी देते हैं, और रेट भी हमारे बहुत ही रिजनेबल होते हैं। बिल्कुल, तो अगर धनतेरस पे आप बर्तन खरीदने वाले हैं तो इस बार बर्तनों में भी अच्छी खासी वैरायटी आई है, साथ ही बर्तनों के बारे में अगर आपको बताएं तो यहाँ पे ऐसी कई सारी चीजें हैं जो इस बार मार्केट में नई भी हैं, साथ ही धनतेरस पर एक परंपरा है कि हर परिवार में कुछ ना कुछ बर्तनों में खरीदा ही जाता है और खासकर धनतेरस पर ही खरीदा जाता है, तो यहाँ पे आप देखिए कि भले चाहे प्रेशर कुकर हो, चाहे वो घर में ग्लास, चम्मच, लोटा या फिर थाली हो, इन सभी चीजों को लेकर जो है यहाँ पर अच्छी खासी वैरायटी सभी क्वालिटी वाइज आई है, तो बिल्कुल इस बार मार्केट में लोगों को एक चीज ये पड़ी है कि यहाँ पर लोग जो है अब क्वालिटी से कम्प्रोमाइज नहीं करते, कॉम्प्रोमाइज यहाँ पे नहीं होता है, क्योंकि अब सबको चाहिए कि अच्छे बर्तन हो, शाइनी वाले हो, ज्यादा जल्दी खराब ना हो, तो मोटे मोटे बर्तन जो है इस बार खासकर मार्केट में देखने को भी मिल रहे हैं और लोग खरीदते भी हैं, सभी नॉन स्टिक से लेकर यहाँ पर आप देखिए सभी चीजें यहाँ पर जो है नई नई है, यानी कि हर चीज जो है यहाँ पर काफी अलग है, और साथ ही एक क्वालिटी में जो है कह सकते हैं कि यहाँ पर इजाफा इस बार हुआ है कि हर चीज जो है वो क्वालिटी वाइज आई है। दिवाली में पटाखों की बात ना हो ये तो पॉसिबल नहीं है, और आज हम आ गए हैं पटाखे की दुकान में, तो दिवाली के लिए क्या कुछ नए आइटम्स आए हैं हमारे साथ ये बताने के लिए यहाँ पर अंबिका फायरवर्क्स के उन्होंने हमारे साथ घनश्याम जी मौजूद हैं। घनश्याम जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी यहाँ पर कि इस बार क्या नया ट्रेंड, क्या कुछ नए पटाखे आए हैं और रिस्पॉन्स कैसा है लोगों का? लोगों का रिस्पॉन्स तो काफी अच्छा है पहले की तुलना में, जैसे कि अभी काफी अच्छा रहा है, और नए पटाखों की बात करें तो काफी सारे आइटम है, जैसे कि ये बटरफ्लाई है, म्यूजिकल लर्ड है, इस टाइप के फैंसी शॉर्ट्स हैं, काफी सारी नई वैरायटी आई हुई है,
ये जो नई नई चीजें आई हैं जैसे कि बटरफ्लाई पटाखा, ये कैसे फूटते हैं, कैसा क्या होता है इनमें? इसमें बच्चों का आइटम है, बचकाना आइटम है, ये जैसे घूमते हैं, घूमने वाला आइटम है और कलरफुल आइटम है। इस बार जो है हर पटाखे पे जो है ग्रीन फायरवर्क्स लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? ये एक्चुअल में प्रदूषण रहित पटाखे हैं, जो ऐसा कि आदेश आया था सुप्रीम कोर्ट का, उस हिसाब से आजकल फायरवर्क्स पे टोटल प्रदूषण रहित पटाखे आने स्टार्ट हो गए हैं। तो उसमें क्या है कि कोई भी पॉल्यूशन वाली बात नहीं है, मतलब आप पटाखे चलाइए कोई दिक्कत नहीं है, इको फ्रेंडली पटाखे हैं ये। जी बिल्कुल, हरित पटाखे हैं, इसमें कोई भी प्रदूषण की मात्रा ना के बराबर रहती है, जिससे कि किसी भी प्रकार की हानि का कोई वो नहीं है, ना कोई भी हानि नहीं होना है। पब्लिक रिस्पांस कैसा मिल रहा है, कस्टमर कैसा रिस्पांस दे रहा है? रिस्पांस यानी मैंने बताया ना, जैसे पहले की तुलना में, लास्ट ईयर की तुलना में इस बार अच्छा रिस्पांस है। बहुत टाइम बाद बाजार में रौनक लौटी है, पिछली बार भी हम आए थे तब भी हमने देखा था कि भीड़ कम थी, लोग कम थे, बहुत कम लोग पटाखे ले रहे थे और बिल्कुल ना के बराबर बिक्री थी। इस बार लोग वापस आना शुरू हुए हैं, तो कैसा मतलब रिस्पांस? कोरोना जैसे लोगों को डरा रखा था, मुझे लगता है कि अब कोरोना का डर लोगों के जहन से निकल चुका है और लोग एक उत्साह में हैं कि पटाखे फोड़ें और हिंदू त्यौहार यानी कि दिवाली एक हर किसी के लिए एक बड़ा त्यौहार है और वो ऐसा है कि उत्साह से लोग मना रहे हैं। यहाँ पे कई और सारे पटाखे भी यहाँ देख रहे हैं, जैसे कि म्यूजिकल माला, आपने बताई ये क्या चीज़ है? ये एक म्यूजिकल लड़ है, ये बच्चों का आइटम है, काफ़ी पसंद किया जाता है। ये एक प्रकार से लड़ है, उसमें विसल रहता है, सिटी रहता है, कलर रहता है। ये मतलब सारे पटाखे आजकल म्यूजिकल भी आ गए हैं और ये घूमने वाले आ गए हैं, तो ऐसे में जो पुराने पटाखे होते थे मतलब रस्ती बम हुआ करते थे, बड़े बड़े बम हुआ करते थे, वो हैं कि नहीं इस बार? रस्ती बम वगैरह आजकल यानी बहुत ना के बराबर आते हैं, क्योंकि आदेश के मुताबिक साउंड के हिसाब से यानी कम चलना रहता है उसका। पहले के मुकाबले अब जो है नॉइस पॉल्यूशन को ध्यान में रखते हुए पटाखे जो है वो थोड़े से नॉइस पॉल्यूशन को ध्यान में रखते हुए अब इको फ्रेंडली और कम साउंड वाले आने लगे हैं, यानी कि कलरफुल पटाखों का क्रेज इस बार, साथ ही बच्चों के लिए खासकर अट्रैक्टिव चीजें आई हैं कलरफुल पटाखे। और एक और चीज, यहाँ पर सारे पटाखे जो है वो इस बार इको फ्रेंडली यानी कि ग्रीन को ध्यान में रखते हुए गए हैं, इको फ्रेंडली यानी कि एनवायरमेंट को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं कि कहीं पर भी जो है पॉल्यूशन ना फैले। साथ ही पटाखों में एक बात तो है कि इस बार कलरफुल और साथ ही बहुत ही मनमोहक पटाखे हैं जो कि बच्चों को भी लुभा रहे हैं, साथ ही बड़ों को भी लुभा रहे हैं। तो अब चलते हैं आगे की मार्केट में और क्या कुछ खास है आपको दिखाते हैं। दिवाली के दिन फोर व्हीलर्स और टू व्हीलर्स खासकर लोग खरीदते हैं और इस बार भोपाल में 2.5 लाख से ज्यादा बुकिंग्स हुई हैं दिवाली और धनतेरस के लिए, जहां पर लोग अपने फोर व्हीलर्स टू व्हीलर्स उठाएंगे। ऐसे में माहौल देखने के लिए हम खुद निकल आए बाजार में और देखा कि शोरूम में क्या कुछ हाल है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे अच्छे खासी भीड़ दिखाई दे रही है, जो बुकिंग्स लगातार करा रहे हैं धनतेरस दिवाली के लिए। ये लोग जो है अब कह सकते हैं कि हर इंसान को अपनी दिवाली जो है खास बनाने का पूरा मौका मिलता है और ऐसे में इस बार व्हीकल्स में खासकर लोगों ने बहुत सारी किस्में बुकिंग्स कराई हैं कि धनतेरस और दिवाली पर ये व्हीकल्स जो है लोग अपने घर लेकर जाएंगे। कहते हैं ना कि दिवाली पर जब कुछ नया कोई खरीदता है तो बहुत खुशी होती है और दिवाली पर इस बार लोगों ने फोर व्हीलर टू व्हीलर में काफी अच्छा इन्वेस्ट किया है। ऐसे में दिवाली और धनतेरस के दिन ये गाड़ियां जो है घर जाएंगी, इनकी पूजा होती है। कहते हैं कि दिवाली के टाइम पर वाहन खरीदना बहुत शुभ होता है और इस बार भी अच्छा खासा मार्केट है और मार्केट में भीड़ भी अच्छी खासी है, लोगों में एक्साइटमेंट भी है। साथ ही यहाँ पर लोग जो है अपने पसंद के व्हीकल्स की बुकिंग करा चुके हैं जो कि खासकर इस बार दिवाली और धनतेरस उठेंगी और लोग जो है वो घर जाकर जो है इनकी पूजा करेंगे। ऐसे में दिवाली और धनतेरस पर फोर व्हीलर के साथ साथ यहाँ पे 2.5 लाख की संख्या है जो कि इस बार हुई है, यानी कि कोरोना के कोविड काल के बाद जो है लोग गाड़ियों में यानी कि स्कूटी हो या फिर बाइक हो या फिर फोर व्हीलर हो, लोग जो है अपने घर में कुछ नया लेके जाना चाहते हैं। कोरोना के बाद खुशियां बहुत समय बाद लौटी हैं, तो बिल्कुल इस बार का मार्केट बहुत खास है जो कि दिख रहा है साफ तौर पर कि लोग कितने एक्साइटेड हैं और दिवाली के लिए बिल्कुल तैयार हैं। महिलाओं को सशक्त करने के लिए यहाँ पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की ओर एक और कदम बढ़ाया है, लोकल फॉर वोकल, यानी कि जो बात यहाँ पर पीएम मोदी ने देश के लिए कही थी वो मध्य प्रदेश में जमीनी स्तर पर जो है साफ तौर पर रंग लाती नजर आ रही है। ऐसे में आप मेरे पीछे देख सकते हैं सोन चिड़ैया के माध्यम से स्वास्थ्य सहायता समूह की महिलाओं के लिए पूरा हार्ट तैयार किया गया है
जहाँ पर उनके द्वारा निर्मित सामान, उनके द्वारा बनाए गए मिठाइयाँ, कपड़े और साथ ही ज्वेलरी, इसके अलावा ऊन से बुने गए सामान और दिवाली में साज सज्जा के सामान जो घर में उपयोग में आते हैं, उन सभी के लिए पूरा एक बाजार बनाया गया है। सोनचरिया के माध्यम से न सिर्फ आजीविका का इन लोगों को साधन दिया जा रहा है, बल्कि यहाँ पर महिलाओं के लिए जो है कह सकते हैं कि एक अलग तरह से जो है उन्हें सशक्त बनाने की यहाँ पर तैयारी पूरी तरह से हो रही है, क्योंकि इस बाजार के माध्यम से ये महिलाएं वो सामान बेच रही है जिन्हें खुद अपने हाथों से बनाया है। बता दें आपको, दीनदयाल अंत्योदय योजना और राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत जो है स्व सहायता समूह द्वारा निर्मित उत्पादों का प्रदर्शन और विक्रय यहाँ पर किया जा रहा है, सोनचरिया आजीविका उत्सव 2021 के माध्यम से। और यहाँ पर आप देखिए मेरे पीछे महिलाओं ने तमाम तरह की दुकानें लगाई हैं, ना सिर्फ कपड़ों की बल्कि दिवाली में उपयोग में आने वाली चीजें, यानी कि रंगोली, कलर्स हो गए, मिठाइयाँ हो गई, खाने पीने का सामान हो गया, कुर्ते हो गए, इसके अलावा मिट्टी से बनाए गए उत्पाद हो गए, साथ ही यहाँ पे घर में सज्जा के जो सामान होते हैं, जो डेकोरेशन के सामान होते हैं, अब वो हो गए, भगवानों के कपड़े हो गए, पूजा में सजा जाने वाले सामान हो गए और गेट पर सजा जाने वाले सामान हो गए, इन सभी यानी कि साथ सज्जा के पूरे सामान जो है यहाँ पर बनाए गए हैं। साथ ही महिलाओं के द्वारा जो निर्मित सामान है, इनके ऐसे आप कह सकते हैं कि लोकल फॉर वोकल, यानी कि यहाँ पर लोकल में बनाए गए सामान है और आप आराम से जो है इन्हें यहाँ पर आके खरीद सकते हैं। और इसके लिए अगर कहीं दूर नहीं जाना है तो यानी कि इसके लिए एक पूरा हाट यहाँ पर तैयार किया गया भोपाल में, जो कि कह सकते हैं कि महिलाओं को सशक्त और आजीविका के लिए एक साधन प्रदान कर रहा है। तो दिवाली पे सोना खरीदने का अपना एक महत्व होता है और धनतेरस और दिवाली पर खासकर गोल्ड की सेल्स बढ़ती हैं और लोग सोना खरीदते भी हैं, इसको शुभ भी माना जाता है। हमारे साथ यहाँ पर अमित अग्रवाल जी मौजूद हैं, जो कि सोन बाबा के ओनर है। सर, इस बार गोल्ड में क्या कुछ नया, कस्टमर्स की डिमांड क्या है और किस तरह का रिस्पॉन्स? पहले तो समस्त आपके चैनल के दर्शकों को दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। और सोने में, क्योंकि सोने के भाव पिछले साल के मुकाबले करीब करीब 20% कम है, तो इसलिए लोगों में ज्वेलरी खरीदने का बहुत अच्छा उत्साह है। और लोगों ने कोरोना काल का एक बहुत ही विभीषण समय देखा है, जब लोगों को सोना अपना बेचना पड़ा, जब पैसे की जरूरत पड़ी तो सोना जब बेचा तो उनको इंस्टेंट कैश मिला, तो इसलिए लोगों का सोने पे भरोसा बहुत बड़ा है। भाव कम है, इसलिए दिवाली पे ग्राहकी बहुत खुलकर आई है और इतनी जबरदस्त वैरायटी की डिमांड है कि एंटीक क्या, कलकत्ता क्या, लाइट वेट क्या, हैवी क्या, क्योंकि जिसके पास ज्यादा पैसा है वो हैवी ज्वेलरी में जा रहा है, जिसके पास कम है वो लाइट वेट में जा रहा है, सब तरह मतलब, लेकिन एकदम क्लासिक टेस्ट वाली ज्वेलरी का डिमांड बहुत जबरदस्त है। सर, गोल्ड और सिल्वर की बात करते हैं, इस बार भाव क्या चल रहा है गोल्ड और सिल्वर का, साथ ही दोनों में किस तरह की डिमांड आ रही है? देखिए, क्योंकि गोल्ड कंपैरेटिवली कैरी करना बहुत आसान होता है तो, और बड़ी इन्वेस्टमेंट में छोटी चीज हो जाती है, तो इसलिए लोग गोल्ड को ज्यादा प्रेफर करते हैं। और गोल्ड का रेट अभी जो चल रहा है वो 47,500 चल रहा है 24 कैरेट का। इसी से ज्वेलरी का रेट निकलता है, इसी से कॉइन का रेट निकलता है, इसके ऊपर जीएसटी अलग लगता है। यहाँ पे किस तरह की ज्वेलरी जो है लोग खरीद रहे हैं, मतलब मेनली कुंदन होते हैं या फिर मूर्ति होती है, हर बार कोई चांदी का ग्लास खरीदता है, प्लेट खरीदता है, इस बार किस तरह का है? देखिए, जो संप्राण घर के हैं उसमें कुंदन और डायमंड्स का बहुत बड़ा क्रेज आया है इस टाइम, तो क्योंकि दिवाली एक बहुत बड़ा फेस्टिवल माना जाता है, अपने यहाँ सबसे बड़ा फेस्टिवल है, तो उस त्यौहार पे एक शान की तरह, एक मतलब स्टेटस सिंबल की तरह डायमंड्स, जो फैमिली अफोर्ड कर सकती है वो डायमंड्स, कुंदन और एंटीक में जाते हैं। और जेंट्स को चेन का बहुत जबरदस्त क्रेज आया है, जेंट्स और ब्रेसलेट्स का बहुत अच्छा क्रेज है, तो कुल मिला के अच्छी हैवी ज्वेलरी का इस टाइम ट्रेंड बहुत जबरदस्त है। टेम्पल ज्वेलरी भी इसमें इंक्लूड करिएगा। यहाँ पे लास्ट ईयर के मुकाबले इस बार देखे तो आपके यहाँ अच्छा खासा दिखाई दे रहा है, तो पिछली बार के मुकाबले इस बार क्या चीज? मेरे ख्याल से 10 गुना ज्यादा अंतर है, मतलब बहुत जबरदस्त इस टाइम, क्योंकि हम लोग ये देख रहे हैं शाद से ही ज्वेलरी का मार्केट भाव कम होने के कारण बहुत जबरदस्त उठा हुआ है और ये आगे भी बहुत ज्यादा चल रहा है, संधि की संभावना है। क्योंकि यहाँ पे शादियों का सीजन भी आने वाला है, देवउठनी ग्यारस के बाद जो शादियाँ स्टार्ट हो जाएंगी, ऐसे में क्या क्या ऑर्डर्स, क्या क्या बुकिंग सबके पास आ चुकी है? मैडम जी, शादियों का सामान बिल्कुल तैयार हो चुका है, मतलब परचेजिंग शुरू हो चुकी है, और जो लोगों का बजट बच गया है, कि लोगों का घर मेहमानों की संख्या लिमिटेड हो गई है, डेस्टिनेशन मतलब थोड़ा सा खर्चा कम हुआ है उसका, तो वो जो पैसा बच रहा है वो पूरा गोल्ड में ही जा रहा है। तो इस टाइम मैंने ये देखा हूँ कि जो जनरली 10 तोले में लोग शादी के सामान खरीदते थे, वो 20 तोले और 50 तोले में सामान ले रहे हैं। तो बिल्कुल, इस बार दिवाली में मार्केट देखा जाए तो बहुत शानदार मार्केट है, लोगों का रिस्पांस काफी अच्छा है, गोल्ड खरीदना एक शुभ संकेत माना गया है दिवाली पर। और साथ ही यहाँ पर अगर देखा जाए तो जिस तरीके से कोरोना के बाद दिवाली इस बार खुलकर आई है, बाजार में रौनक लौटी है, तो इस बार गोल्ड के मार्केट में भी अच्छा खासा यहाँ पर लोगों का रिस्पॉन्स जो है देखने को मिल रहा है।